नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। लखनऊ से लखीमपुर खीरी तक के मतदाता 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान करेंगे। 21 फरवरी को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। पहले तीन चरण में 403 में से 172 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। 9 जिलों की 79 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में रोहिलखंड से तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर आज से और तेज हो गया है। चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में चुनावी रंग और चढ़ने लगा है। 23 फरवरी यानी कि कल होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत दलों के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल 23 फरवरी को होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गज नेता जनसभाएं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह शहर पश्चिमी विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में सभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह शहर उत्तरी और दक्षिण में रोड शो भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज जिले में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव करछाना के गढ़वा खुर्दा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी जिले में होंगे, वो भी यहाँ सभाएं करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।